हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए धमाकेदार वीडियो में। तो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाला है क्योंकि मैं आपके लिए एक लेके आया हूँ स्टॉक जो 9 रुपये का है, मात्र 9 रुपये का। आप लोग देख सकते हो केवल 9 रुपये का है, आप 9.5 रुपया मान सकते हो। तो इसी बात पर आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो एंड इस वीडियो को शेयर कर सकते हो अपने ग्रुप में, अपने दोस्तों के पास, क्योंकि मैं वही स्टॉक लेके आता हूँ जो फंडामेंटली बहुत ज़्यादा करेक्ट होते हैं। क्योंकि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं रिसर्च करके लेके आता हूँ स्टॉक जिसमें सेल्स ग्रोथ भी हो, प्रॉफिट ग्रोथ भी हो एंड रिटर्न ग्रोथ भी हो एंड प्रमोटर होल्डिंग भी हो उसमें। सबसे बड़ी बात प्रमोटर होल्डिंग, इस स्टॉक में प्रमोटर होल्डिंग कितना है पता है आपको? 50% से ज़्यादा प्रमोटर होल्डिंग। इतने छोटे से स्टॉक में प्रमोटर होल्डिंग 50% से ज़्यादा है। इसके माने प्रमोटर इस स्टॉक में अपने आप को विश्वास दिलाते हैं कि ये कंपनी आगे ग्रो होगा, तभी तो वो अपना शेयर नहीं बेच रहे हैं, इसीलिए तो वो अपना 50% कब्जा करके कंपनी पर बैठे हुए हैं। तो आप क्यों नहीं कब्जा कर लेते हैं इस कंपनी में, क्यों नहीं आप शेयर खरीद पा रहे हैं इसमें? तो खरीदना चाहिए ना आपको शेयर। मैं इतना अच्छा अच्छा स्टॉक आपको बताता हूँ, रिकमेंड करता हूँ कि आप इसमें पैसा लगा दो, कुछ नहीं है। अब 9 रुपये का स्टॉक है, 9.5 रुपये का स्टॉक है, 100 शेयर खरीदने में कितना जाएगा? 950 रुपया जाएगा। मान लो एक महीने का खर्चा नहीं करना 950 रुपया, एक दिन आप एक जींस मत पहनना, कपड़ा मत खरीदना, कुछ मत करना एक महीने के लिए, और 900 रुपये में 950 रुपये में 100 शेयर लेके 5-6 साल के लिए आप भूल जाओ। फिर उसके बाद देखना यही स्टॉक, यही से आपको कम से कम नहीं है तो 10-15 लाख रुपया बना के दे देगा, और क्या चाहिए। तो बस ऐसे आपको करना पड़ेगा, आने वाले 10-15 साल में 10-15 लाख ही बना के दे देगा। 900 रुपये क्या, 900 रुपये माने क्या? तो वही बोलते हैं ऐसे ऐसे स्टॉक में आपको बताता हूँ कि जिसमें भले रिस्क तो है, ये तो मैं बोलता हूँ कि रिस्क है क्योंकि ये बहुत छोटी कंपनी है, पैसा डूब भी सकता है। तो 900 रुपया डूब ही जाएगा तो क्या डूब जाएगा, कितना डूब जाएगा? कंपनी ही बंद हो जाएगी। माने कंपनी बंद होगा तो जो प्रमोट पर वो कंपनी का मालिक है उसको सबसे ज़्यादा घाटा होगा कि मैं 950-950 रुपया लगाया हूँ उसमें मेरा घाटा हो जाएगा? नहीं होगा ना। 950 रुपया माने आज क्या, दो दिन, एक दिन काम नहीं करूँगा और क्या, एक दिन काम करोगे 950 रुपया मिल जाएगा। 950 रुपया लगा के ये बाद में यही रहेगा कि इतना रिटर्न दे देगा कि बाद में आपको 10-15 साल के बाद काम ही नहीं करना पड़ेगा। तो यही सोच, ऐसे माइंडसेट लेके आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा ऐसे ऐसे स्टॉक में, छोटे छोटे स्टॉक में आपको पैसा लगाना ही पड़ेगा क्योंकि रिस्क नहीं लोगे तो नहीं बनेगा पैसा। ऐसा मैं बता दूँ, यदि तुम्हें ज़्यादा अमीर बनना है, थोड़ा अच्छे से जीना है, तो अभी तुम्हारा एज कम है, यदि मान लो तुम्हारा एज 20-22 साल का है, तो रिस्क नहीं लोगे तो पैसा नहीं बनेगा। वही बनाते रहो, क्या कहते हैं, 5-6% 10% साल का, तो उसमें क्या होने वाला है यार? उसके लिए ज़्यादा कैपिटल होना जरूरी है। तो हमारे सबके पास तो ज़्यादा पैसा है नहीं, तो कम जो से कम प्राइस में अच्छे फंडामेंटल पे अच्छे अच्छा जो जिसका कंपनी अच्छा है उसमें पैसा लगा कर क्यों ना 5-6 साल के लिए भूल जाए, 5-6-7 साल के लिए। यदि मैं 5-6 साल बड़े बड़े स्टॉक में यदि पैसा लगाता हूँ तो मैं कितना रुपया लगा लूँगा? 3-4 लाख रुपया लगा लूँगा, उससे ज़्यादा तो लगा नहीं पाऊँगा। और 3-4 लाख रुपया कमाने के लिए मुझे 3-4 साल काम करना पड़ेगा। इससे अच्छा मैं छोटे छोटे स्टॉक में लगाऊंगा 5-6 साल और ज़्यादा नंबर ऑफ क्वांटिटी से ज़्यादा खरीद लूँगा। और बट ऐसा नहीं, स्टॉक का फंडामेंटल भी देखना है, नहीं कि ऐसे चाहे जहाँ आँख मूंद के पैसा लगा देना, ऐसा कुछ नहीं करना है। ये भी याद रखना चाहिए कि उस स्टॉक में पोटेंशियल होना चाहिए भागने का, कुछ ना कुछ उसमें ऐसा चीज़ होना चाहिए, कोई एक फैक्टर तो होना चाहिए कि वो आगे चलकर मुझे अच्छा रिटर्न प्रोवाइड कर सकता है। तो इसके अंदर सबसे बड़ा पोटेंशियल जो है, जो एक्स फैक्टर है, इसमें प्रमोटर होल्डिंग 50% से ऊपर है इतने छोटे से स्टॉक में। और एक फैक्टर और है, ये जो कंपनी है ये FMCG सेक्टर का है, तो खाने पीने के मामले में खाने पीने वाली जो भी कंपनियां हैं वो कितना रिटर्न देगी, क्योंकि ये बिजनेस जो ऐसा, ये एक ऐसा बिजनेस है कभी बंद ही नहीं होगा, आदमी खाना तो छोड़ नहीं देगा, कुछ ना कुछ तो खाएगा। तो ये भी आप वो सुने होंगे, एक जो चिप्स आता है दावत करके, वो ये कंपनी बनाती है, ओनर है ये कंपनी उस सर्विस का, क्या कहते हैं उस चिप्स का, तो आप लोग समझ सकते हो। तो वो सब कितना धीरे धीरे और नए नए ब्रांड लेके आएगी, कौन पता आप इसमें इन्वेस्ट कर दो, आपके सहारे कौन सा ऐसा प्रोडक्ट ये रिलीज कर दे जो मार्केट में फैल जाए और ये कंपनी का शेयर और ज़्यादा भाग जाए, तो यू नेवर नो, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे स्टॉक को मैं बहुत अच्छे से एनालिसिस करके एंड थोड़ा तो रिस्क लेना पड़ेगा, बिना रिस्क के तो होगा नहीं। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आप इसमें 100 से 150 से खरीद के भूल जाओ, एक नया डीमेट अकाउंट खोल लो, उस डीमेट अकाउंट में ये इससे खरीद खरीद के भूल जाओ। वो सोचो कि मैंने दान दे दिया किसी को 100 रुपया 1000 रुपया दान दे दिया, मैं उसे भूल जाता हूँ 5-6 साल के लिए, 10-15 साल के लिए, तो ऐसा करना है। एंड मैं बात करूँ मार्केट कैप के बारे में, तो आप लोग देख सकते हो जो मार्केट कैप है वो 938 करोड़ रुपये मार्केट कैप है। तो मार्केट कैप अच्छा है, 938 करोड़ रुपये कम नहीं होता है। एंड जो बाउंड वीक में हाई बनाया था वो 15 रुपये का हाई बनाया था, एंड जो बाउंड वीक में लो बनाया था वो 4 रुपये का लो बनाया था। तो सब कुछ सही है, डिविडेंड यील्ड नहीं प्रोवाइड करती है क्योंकि अभी इसका मार्केट कैप बहुत छोटा है, तो डिविडेंड यील्ड तो प्रोवाइड नहीं करेगा। एंड आपको मैंने पहले ही बता रखा है कि 50% से ज़्यादा है इसका से वो क्या कहते हैं प्रमोटर होल्डिंग, तो 50% से ज़्यादा है। तो और मैं बताऊँ कंपनी का नाम क्या है,
आप लोग इधर देख सकते हो, सर्वेश्वर फूड करके लिमिटेड करके है कंपनी का नाम। इसे गूगल पे टाइप करके फर्दर थोड़ा बहुत रिसर्च कर लेना। यदि ज़्यादा रुपया नहीं लगाना है इसमें, ज़्यादा रुपया तो लगाना मत, आप मैं बोला हूँ 100 शेयर से ज़्यादा इसमें खरीदना नहीं। यदि किसी को खरीदना है तो 100 शेयर से ज़्यादा खरीदना नहीं, और 10-15 साल के लिए भूल जाना कि मैंने इस कंपनी में 100 शेयर लगाया है, 100 शेयर खरीदा, 1,000 रुपया मान लो तुम्हारे पॉकेट से गिर गया।